नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज है गुरुवार और आज है प्रदोष, मतलब आज है गुरु प्रदोष। प्रदोष काल में दोस्तों भगवान शिव की पूजा करने से आपके कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। प्रदोष काल में यदि आप शिव मंदिर में जाते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, मुंह मांगी मुराद पूरी होती है। कई लोगों के दोस्तों बड़े बड़े काम अटके हुए होते हैं जो सिर्फ प्रदोष काल के व्रत करने मात्र से दूर हो जाते हैं। यह बहुत पावरफुल समय होता है प्रदोष काल में दोस्तों। शाम को 5:30 बजे से रात 8 बजे तक में आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। आज गुरुवार है, भगवान विष्णु की पूजा करने से आपके घर में धन दौलत प्रचुर मात्रा में आती है, आपका मन धार्मिक कार्यों में लगता है। तो दोस्तों आज के दिन, क्योंकि गुरुवार है और प्रदोष है, मतलब कि आज दोनों ही देवों की शक्ति बहुत ताकत से काम कर रही है, भगवान श्री हरि की और भगवान शिव की। तो आज आपको जो मंत्र, जो चौपाई में बताने के लिए जा रही हूं, ये अपने आप में सिद्ध है। इसका स्मरण करने मात्र से भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ही आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं, दोनों की ही आपके ऊपर कृपा बरसती है। वैसे भी दोस्तों, जो लोग भगवान शिव के पुजारी हैं, भगवान नारायण हमेशा उन्हें पसंद करते हैं, और जो भगवान विष्णु के पुजारी हैं, उन्हें शिवजी पसंद करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही देव एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं, दोनों ही देव एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। आज के दिन दोस्तों, ये चौपाई जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूं, इसका स्मरण मात्र करने से तमाम जन्मों के आपके पाप कटेंगे, दूसरा तमाम प्रकार की आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। आप घर में हैं तो भी इस उपाय को कर लें, घर के बाहर जैसे आप कहीं नौकरी धंधे पर लगे हुए हैं, आप वहां संध्या समय या फिर शाम 5:30 बजे से रात तक कभी भी आप इसको 21 बार बोल लें। यदि आप इसको सस्वर बोलते हैं, बहुत जल्दी आपकी इच्छा पूरी होगी। सस्वर ना भी बोल पाए तो मन ही मन आप इसको 21 बार बोल लें, ठीक है। जो लोग शिवालय में जा सकते हैं, वे लोग आज के दिन अष्टगंध की एक डिबिया ले लें। हर जगह जहां मंदिर है या जहां पूजा पाठ की दुकान है, वहां आपको अष्टगंध की डिबिया मिल जाएगी। बहुत महंगी नहीं होती, सस्ती होती है, आप उसको ले लें और जाकर के चुपचाप शिवालय में उसको रख दें, अपनी इच्छा बोलते हुए कि हे प्रभु, आप इसका स्वीकार करें और मेरा ये काम जरूर करें। जो लोग शिवालय नहीं जा पा रहे हो, वे लोग घर में एक पीला फूल और एक सफेद फूल, दो रंग के फूल ले लें और इस चौपाई को 21 बार बोल करके पूजा के स्थान में रख दें, और उसको सुबह उठ करके, क्योंकि दूसरा दिन दोस्तों शुक्रवार का पड़ रहा है, बहुत बढ़िया दिन है, दोनों ही पुष्पों को आपको उठा करके अपने धन स्थान में रख देना है। आपके घर में हमेशा धन आता रहेगा। लक्ष्मी का कोई भी बंधन कर दिया होगा तो वो बंधन छूट जाएगा। चौपाई है दोस्तों, शिव द्रोही मम दास कहावा, ते नर मोहि सपनेहु नहीं भावा। शिव द्रोही मम दास कहावा, ते नर मोहि सपनेहु नहीं भावा। दोस्तों ये चौपाई खुद इस चीज को बताती है कि जो लोग शिवजी का द्रोह करते हैं और मुझसे प्रेम करने को आते हैं, वो मुझे कभी सपने में भी अच्छे नहीं लगते। ये भगवान श्री राम ने
रामायण में कहा है। आप देखना, कुछ लोग जो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं उन्हें हमेशा बेवकूफ बनाते हैं, उन्हें पागल समझते हैं। उन लोगों की कद्र करते हैं जो ज्यादा तेज तर्रार है, जो बहुत बहुत ज्यादा होशियार है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, तो ऐसे लोग हमेशा मुंह के बल गिरते हैं। उनकी भी इज्जत करें जो सक्सेसफुल है, उनकी भी इज्जत करें जो सक्सेसफुल नहीं है लेकिन सहज है। जो लोग बिल्कुल सरल हैं, जो सीधे साधे हैं, जो भोले भाले लोग हैं, क्योंकि जो लोग सीधे साधे हैं, जो भोले भाले हैं, ऐसे लोग भगवान शिव को बहुत प्रिय होते हैं। मोही कपट छल छिद्र न भावा, जो लोग कपट करते हैं ऐसे लोग भगवान को कभी प्रिय नहीं होते। तो इस चौपाई में भगवान शिव और भगवान राम दोनों का ही वर्णन है। इस चौपाई को दोस्तों प्रदोष काल के समय 21 बार बोलकर आप वो सब अर्जित कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो आज दोस्तों शाम के समय या फिर शाम को 5:30 बजे से रात तक में कभी भी आप इस चौपाई को 21 बार जरूर बोल दें, और शक्य हो, पॉसिबल हो तो शिवालय में अष्टगंध की एक डिबिया रख करके आ जाएं, या घर में 2 पुष्प जरूर रख दें। करके देखिए, करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।